गाइस अपना जो है फाइनली अजमेर का सफ़र ख़त्म हो गया, तो अपन आके बैठे हुए अभी अजमेर स्टेशन रेलवे स्टेशन पे। तो अपन अभी यहाँ से जाने वाले दिल्ली, दिल्ली है भाई, न्यू दिल्ली है, दिल्ली से दिल्ली। तो अपन अभी यहाँ से जाने वाले न्यू दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में। इंशाल्लाह आपको ट्रेन में बैठने के बाद, पूरा रात का टाइम रहता है, इंशाल्लाह कल सुबह मिलेंगे अपन निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में। सिग्नल जंप कर दिया, चालान नहीं आता, यहाँ कैमरा नहीं है ना, सब जगह कैमरा नहीं है। अच्छा, हर जगह सिग्नल पे कैमरा नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा, तो जहाँ पर भी है वहाँ से आ जाता है फोटो? हाँ, ऑटोमेटिक आ जाता है चालान। अच्छा, कितने का रहता है यहाँ पर चालान? 400 का है फोटो, सिग्नल जंप 400 का है। अच्छा, अगर सीट बेल्ट वगैरह का रहेगा तो इसका 500 है। 500 का है, अरे फिर ये कम ये ज़्यादा क्यों? ये तो रेड लाइट का कानून यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे कि बाइक वालों का अगर हेलमेट नहीं रहा तो उसका भी चालान है, उसको कित 500 का, 1000 का। अच्छा, 500-1000 का है उसको भी। नो पार्किंग का चालान? नो पार्किंग का 100-200 है। हमारे पास तेलंगाना में अगर सिग्नल जंप कर दिए तो 1600 रुपये, अगर सीट बेल्ट अगर नहीं रहेगा तो 1000 रुपये, हेलमेट अगर नहीं रहेगा तो 400 रुपये, कुछ है 300 या 400 रुपये। नो पार्किंग का जो है अलग अलग एरिया वाइज के हिसाब से है, वहाँ पर कुछ एरिया में 200-300 रुपये रहे, 200 या 400 रहेगा। चालान नहीं करेगा तो 100 रुपये के निकल जाओ, वैसा नहीं है हमारे पास, ऐसे यहाँ नहीं है, दिल्ली है। दिल्ली में 100 रुपये के घूम पड़ेंगे। अच्छा, नोट दिखाओ कहेंगे कि जाओ। हाँ, तो फिर वैसे तो आसान है फिर आप लोग को, हमारे पास ऐसा नहीं है, 100-200 का मसला नहीं है, हमारे पास लेते ही नहीं। ये सिटी का सबसे बड़ा वाला रोड है। अच्छा, इससे बड़ा भी रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं, यही बड़ा रहेगा। मेरी फैमिली भी है इधर गांव में, छुट्टी लेकर जाते हो? हाँ, 2-3 महीने का निकल जाते हैं। ये क्या है, फास्ट ट्रैक है ये? कौन सी? ये वाला ऊपर फास्ट ट्रैक है, बाहर जाते हैं ना तो फास्टैग से पैसा कटता है ना। हाँ। कितने साल से गाड़ी चला रहे थे दिल्ली में? दिल्ली में तो भैया हो गया 12 साल। तो 12 साल से दिल्ली में? अच्छा, यही काम कर रहा हूँ। हाँ, उससे पहले क्या करते? ड्राइविंग से समझ नहीं आ रहा मेरे, पहले गुजरात, परफेक्ट ड्राइविंग है आपकी। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले क्या करते थे आप? पहले गुजरात में ही गाड़ी चलाता था। अच्छा, सूरत में? हाँ। तो आप सूरत के रहने वाले हो? नहीं, यूपी के। अच्छा, यूपी के है। जैसे यहाँ दिल्ली आए उन्होंने कमाई के लिए, सूरत से गए थे वैसी कमाई के लिए। कमाई के। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बारिश के दिनों में कैसा रहता मौसम और रोडे वगैरह सब खराब हो जाती? नहीं, अच्छा रहता। तभी तो खराब पड़ा था जहाँ से आए हो। अच्छा, बारिश की वजह से तो खराब पड़ा था वो। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे कि कोई सड़कों में पानी जाम हो जाना है? ऐसा पानी हो जाता है दिल्ली के अंदर। अच्छा, यहाँ निकासी ना है ना पानी की। अच्छा, बारिश हुआ फट से निकल गया। अच्छा अच्छा, जाम हो जाता है, पानी हो जाता है इतना कमर यहाँ पर भी? हाँ जी, ये रूट में? हाँ, सब जगह। अच्छा अच्छा, दिल्ली में इतना जल्दी पानी नहीं निकलता है। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर, जो पाइप लाइनिंग बिछाई हुई होती है ना वो वाली नहीं है? अच्छा, साफ सफाई तो अच्छी रहती होगी, पहाड़ी इलाका है ना। अच्छा, तो हम लोग अजमेर से आ रहे हैं इधर। अजमेर से ना? हाँ, अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। अजमेर से तो आएंगे, दरगाह है ना वहाँ।
आपका हुआ जाना अजमेर, आते हैं ना बराबर, अब तो चलेंगे तो अजमेर वाले ज़्यादा आते हैं। नहीं आपका जाना हुआ कभी अजमेर जाना आते हुआ हैं, तो जाते हैं, जाते हैं दरगाह पर, तो हर एक आदमी जाएगा। हाँ माथा टेकने सब जाते हैं। क्या हुआ? नहीं आप क्या बोले, वहाँ स्टेशन के करीब ही 6-12 किलोमीटर खाली जा रहे हैं। हाँ 12-13 किलोमीटर ही वहाँ से, उतना ही है ना भाई? 14 किलोमीटर आता। ये गोल मार्केट कह रहे हो ना? अच्छा गोल मार्केट ही है। बंद हो गया है अब। बंद हो गया तो उसको खाली वो टीन शीट लगा के छोड़ दिए भाई। गोल मार्केट वाला सर्कल बोलते हैं इसको। हाँ तो थी रिंग रोड नहीं यार, मैं तो स्कूल है, ये कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है? ये वाला भी पूरा बहुत बड़ा दिखाई, पूरा बड़ा है। ये गुरुद्वारा है पंजाबी होगा। ये वाला गुरुद्वारा है, ये बंगला साहब। इसको कौन सा चर्च? बहुत बड़ा है। इसको कौन सा रोड बोलते हैं? अशोका रोड है ये। अशोका रोड का बड़ा गुरुद्वारा ये क्या? बंगला साहब दिल्ली में सबसे बड़ा वाला दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है। इस पे सब मिलेगा, सभी नेता लोग का भी घर है अंदर रोड पे ही है, नेता लोग का घर, बीजेपी का भी है। अच्छा ये पोस्ट ऑफिस है क्या राइट साइड वाला? डाक भवन है। तो यहाँ से जामा मस्जिद जाओगे? जामा मस्जिद अभी फिलहाल आराम करेंगे, अभी सफर से आए हैं, एक आध घंटा या दो घंटे आराम करने के बाद दरगाह ज्यारत करेंगे। दरगाह ज्यारत के बाद बनेगा वो प्रोग्राम घूमने फिरने का। वो कहा है पार्लियामेंट का है मोदी जी जो हालात में इंडिया गेट आएगा ना, बता देना। अच्छा अभी इंडिया गेट आने वाला है। अशोका रोड में जंतर मंतर भी है। जंतर मंतर बोले तो वही जंतर मंतर को जो बैठते नहीं है नेता लोग। अच्छा पूरा बीजेपी का है नेता लोग का। हाँ नेता लोग सारे रहते हैं या फिर कोई एक ही रहता है? ऐसा एक ही रहेगा, अच्छी जगह सब आदमी बीजेपी वाले रहेंगे। अच्छा दूसरा नहीं रहेगा, बीजेपी के ही रहेंगे लोग। अच्छा और जो भी पार्टी वाला रहेगा वही रहेगा उसका। बसेस नहीं दिख रहे वीरेंद्र भाई? हाँ जी बसेस नहीं दिख रहे। बस इस पर नहीं आती है इस रोड में। हाँ इस रोड में बस नहीं है। अच्छा पूरा ऑटो से या कैब लेना पड़ेगा? VIP एरिया है ना ये। अच्छा इधर बस नहीं आती। तो स्टेशन से अब तक दिखाई नहीं बस, इधर आएगी ही नहीं बस। ये VIP एरिया है, VIP नहीं आएगी बस। अच्छा ये तुम्हारा साउथ वाले का है, ये हैदराबाद हाउस, ये देखो लिखा ना साउथ वाला। वो तो हीरो बोल रहे आप, उसके सामने से ही जाते हैं अपन। अच्छा पूरा जब घूम के जाएंगे तो सामने ही रहेगा, सामने दिख जाएगा। बड़ी स्मूथ ड्राइविंग है भैया आपकी, परफेक्ट ड्राइविंग। चलाने भी तो बहुत दिन हो गया। 12 साल का पढ़ाई यही है। 12 साल का एक्सपीरियंस? 12 साल हुआ, उसके बाद पहले भी तो चलाया हूँ, थोड़ा बड़ा कब चलाता हूँ। हाँ
ठीक है। अब यही का रास्ता हम लोग का कट जाएगा दरगाह के लिए। तो अभी गेट के सामने से जा सकते हैं अपन? जाकिर हुसैन मार्ग हाँ, ये रोड का नाम है। हाँ वही निजामुद्दीन स्टेशन भी है।